हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज जीएसटी काउंसिल की 21वीं मीटिंग थी हैदराबाद में, ठीक है। इसमें बहुत सारे इश्यूज पे डिसीजन लेना था, बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई करनी थी। तो क्या क्या डिसीजन आया है, इसका प्रेस रिलीज आ गया है, इसी में डेट की एक्सटेंशन की बात भी कही गई है और बहुत सारी अलग भी बातें कही गई हैं जो हमारे लिए भी फायदेमंद है। तो आइए एक एक करके इस प्रेस रिलीज को देखते हैं और सारी बातें को हम क्लियर करते हैं। क्या है कि द जीएसटी काउंसिल इन इट्स 21st मीटिंग हेल्ड एट हैदराबाद ऑन 9 सितंबर 2017 हैज रिकमेंडेड द फॉलोइंग मेजर्स टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर, ठीक है। 21वीं मीटिंग में जो कि 9 सितंबर आज रखी गई थी, वो क्या क्या बातें कही गई हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटर्न फाइलिंग के डेट्स से लेकर क्या बातें कही हैं। तो सबसे बड़ा हमारा जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया। देखिए क्या है, GSTR1 जो कि जुलाई का था, मतलब कि जुलाई के GSTR1 की डेट को 10 अक्टूबर कर दिया गया है। पहले ये 10 सितंबर था, मतलब कि कल लास्ट डेट थी, इसको बढ़ा के 10 अक्टूबर, सीधे एक महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। तो अब हमारे सारे इश्यूज खत्म हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड, मे बी अब सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को दूर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ये देखिएगा, फॉर रजिस्टर्ड पर्सन With aggregate turnover of more than 100 crores, the due date shall be 3rd October. मतलब कि वैसे लोग जिनका turnover 100 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए due date 3 अक्टूबर होगा, बाकी सबके लिए 10 अक्टूबर है, जुलाई के GSTR 1 की डेट, ठीक है। जुलाई के GSTR 2 की डेट को 31 अक्टूबर कर दिया गया है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा एक्सटेंशन हो गया। GSTR 3 की डेट को जुलाई की 10 नवंबर कर दिया गया है। अब आप देखिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन में मिला है, क्योंकि पोर्टल पे बहुत सारी इश्यूज आ रहे थे, तो ये अब उसे दूर करेंगे और मे भी जब हम इस पीरियड तक पहुँचेंगे तो हम इजीली सारे रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे। GSTR 4 जो कि कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए है, उस डेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, 18 अक्टूबर को करना था और 18 अक्टूबर ही से रखा गया है, जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टरली रिटर्न था। इसमें एक और चीज़ क्या आ रही है कि टेबल 4 अंडर GSTR 4 नॉट टू बी फिल्ड फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 17, मतलब कि जो अपना ये क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, उसमें टेबल 4 नहीं भरना है। टेबल 4 अपना पीरियड के लिए है, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। GSTR 6 की डेट को देखिए आप, 13 अक्टूबर कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि और क्या क्या बातें कही गई हैं। GSTR 3B will continue to be filed for the month of August to December 17. ये भी बहुत बड़ा चेंज आया है। अभी तक हमें पता था कि GSTR 3B को बस जुलाई और अगस्त के लिए भरना था, लेकिन अब GSTR 3B को दिसंबर तक के लिए हर मंथ को भरना है, मतलब कि हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चार मंथ और GSTR 3B फाइल करना है। अरजिस्टर्ड पर्सन वेदर माइग्रेटेड और न्यू रजिस्टेंट Who could not opt for composition scheme shall be given the option to avail composition till 30th September 17 and such registered person shall be permitted to avail the benefit of composition scheme with effect from 1st October 17. ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है हमारे लिए, वैसे लोगों के लिए जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते थे, जिसकी लास्ट डेट 16 अगस्त रखी गई थी, अब इस डेट को बढ़ा के 30 सितंबर रख दिया गया है। तो वैसे लोग जो अभी कंपोजिशन स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हो, चाहे वो माइग्रेटेड डीलर हो या फिर नए डीलर हो, ठीक है, माइग्रेटेड पर्सन हो या फिर नई पर्सन हो, वो 30 सितंबर तक कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो जो लोग परेशान थे कंपोजिशन स्कीम जाने के लिए, पहले क्या बातें आ रही थी कि हम नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में ही अब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब 30 सितंबर तक कर सकते हैं, तो आप अब इजीली कीजिए। एक और बात ये क्या कही गई है कि जो भी कंपोजिशन स्कीम 30 सितंबर तक ऑप्ट करेंगे, उनको कंपोजिशन का फायदा 1 अक्टूबर 2017 से मिलेगा, मतलब ये जुलाई और सितंबर के लिए वैसे पर्सन जो माइग्रेटेड थे, उनको रेगुलर स्कीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। जो अब नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके लिए 1 अक्टूबर से कंपोजिशन का फायदा मिलेगा। प्रेजेंटली एनी पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज इज नॉट एलिजिबल फॉर थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन ऑफ 20 लाख, ठीक है। ये क्या बातें कह रहे हैं कि अभी तक वैसे लोग जो इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, उनको 20 लाख की एग्जम्पशन की लिमिट नहीं है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना ही कराना है, ये रूल था, ये नोटिफिकेशन था। लेकिन अब क्या है, देखिए आगे पढ़ लेते हैं। अगर आपकी 20 लाख की लिमिट नहीं है, ठीक है,
और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, और अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं किन चीज़ों का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, और आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं। एंड द गुड्स मूव अंडर द कवर ऑफ एन ईवे बिल, और कब जरूरत नहीं है, जबकि आप ईवे बिल के थ्रू अपने गुड्स को भेज रहे हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक और चीज़ आप पहले सुन लीजिए, ईवे बिल से भेजने के लिए गुड्स को लिमिट क्या रखी गई है, 50,000। लेकिन यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब कि आप कितने का भी माल भेज रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स भेज रहे हैं और 20 लाख से आपका टर्नओवर कम है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कब, दो चीज़ें हैं कि आपके पास पैन नंबर होना चाहिए और आप हर जो भी सप्लाई है आपकी उस पर आप ईवे बिल इशू करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रेजेंटली अ जॉब वर्कर मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई फॉर जॉब वर्क सर्विस इज नॉट एलिजिबल फॉर थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन ऑफ 20 लाख, मतलब कि वैसे जॉब वर्कर जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और उनकी टर्नओवर कितनी भी है, मतलब उनको एग्जम्पशन नहीं दिया गया है 20 लाख का, तो उनकी टर्नओवर कितनी भी है उनको रजिस्ट्रेशन कराना था। लेकिन अब वैसे जॉब वर्कर जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और उनका जो भी गुड्स है वो ईवे बिल के थ्रू मूवमेंट करा रहे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिस एग्जम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल टू जॉब वर्क इन रिलेशन टू ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ्स एंड सिल्वर स्मिथ वेयर्स एज कवर्ड अंडर चैप्टर 71 विच डू नॉट रिक्वायर ईवे बिल। तो अपना ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ जो सुनार है उन पर यह प्रोविजन लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ईवे बिल इशू करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत बड़ा चेंज ये भी आया है कि ट्रान वन जो अपना फॉर्म है जीएसटी का कैन बी रिवाइज्ड वन, उसको एक बार रिवाइज किया जा सकता है। ये लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी कि मैंने अपना ITC गलत क्लेम कर लिया है ट्रान वन में, तो अब क्या किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके पास नोटिफिकेशन आ गया कि आप एक बार ट्रान वन को रिवाइज कर सकते हैं, तो आपका जो भी गलत ITC आपने क्लेम किया था या फिर कुछ छूट गया था या एक्सेस कर लिया था, अब उसको आप चेंज कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं ये देखिए, द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ ट्रान वन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 month, इसको भी एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 31 अक्टूबर अब इसकी लास्ट डेट होगी ट्रान वन की। आगे क्या है, द रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, मतलब कि TDS एंड कलेक्ट टैक्स एट सोर्स मतलब कि TCS विल कमेंस फ्रॉम 18 सितंबर 2017, मतलब कि वैसे लोग जो TDS और TCS काटने के लिए लायबल हैं GST में, उनका रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा। However, लेकिन द डेट फ्रॉम विच TDS एंड TCS विल बी डिडक्टेड और कलेक्टेड विल बी नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट लेटर, मतलब कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन TDS और TCS कब से डिडक्ट करना है इसकी डेट बाद में नोटिफाई की जाएगी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, ये क्या कहना चाहते हैं इसके थ्रू, आपका जो B2CS में सप्लाईज थ्रू ईकॉम और सप्लाईज अदर देन ईकॉम आ रहा है वो झंझट अभी ख़त्म हो गया है, आपको सारे एंट्रीज जो हैं OE के थ्रू करनी है, मतलब कि अदर देन ईकॉमर्स के थ्रू B2CS में, ठीक है। आगे देखते हैं, द GST काउंसिल हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स, मतलब कि इन्होंने 3 लोगों की एक कमेटी बैठाने की योजना बनाई है, सेटअप कर रहे हैं, ताकि जो भी एरर्स आ रहे हैं हमारे, जो भी इशूज आ रहे हैं वो ये देखेंगे। द GST काउंसिल हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स टू मॉनिटर एंड रिजॉल्व द IT चैलेंज फेस्ड ड्यूरिंग GST इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो भी अपना पोर्टल पे इशू आ रहा है IT से रिलेटेड, उसके लिए भी एक ग्रुप मेंबर बना रहे हैं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ हमारी क्या क्या थी इंपॉर्टेंट, कि GSTR 1 की डेट को बढ़ा दिया गया है, बढ़ा के क्या कर दिया गया है इसको 10 अक्टूबर कर दिया गया है, GSTR 2 की डेट को 31 अक्टूबर, GSTR 3 की डेट को 10 नवंबर, ठीक है। दूसरी क्या बात थी, GSTR 3B को अब दिसंबर तक हर महीने फाइल करना है, जो कि पहले अगस्त तक था। ट्रान वन फॉर्म के डेट को बढ़ा दिया गया है, जो कि 31 अक्टूबर कर दिया गया है, और ट्रान वन फॉर्म को अब हम रिवाइज भी कर सकते हैं, तो वैसे लोग जिन्होंने गलतियां करी हैं ट्रान वन फॉर्म में वो रिवाइज कर लेंगे। बाकी TCS वाले लोग अब रजिस्ट्रेशन करा ले 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और TDS और TCS कब से डिडक्ट करना है वो डेट वो बाद में नोटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी बहुत सारी परेशानी दूर हो गई होगी। तो जो भी अब रिटर्न्स हैं हमारे, उनके लिए हमें काफ़ी टाइम मिल गया, हम इजीली अब उन्हें फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।